हेलो एंड वेलकम बैक। टॉपिक हमारा चल रहा था रिपोर्ट, और पिछले वीडियो में एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के संबंध में एक रिपोर्ट लिखनी है। तो शुरू करते हैं उसका आंसर। सबसे पहले टाइटल, तो टाइटल हमारा है रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे फंक्शन। रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे फंक्शन, रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे फंक्शन। ये टाइटल हम तब लिखेंगे जब लिखने वाला कोई स्कूल का पार्ट हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बाहर का कोई रिपोर्टर लिख रहा है, तो हम इस तरह से लिखेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन टैगोर पब्लिक स्कूल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्कूल में स्कूल का ही कोई स्टूडेंट लिख रहा है या स्कूल का ही कोई मेंबर लिख रहा है, तो हम ऊपर वाला जो टॉप टाइटल है रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे फंक्शन वो लिखेंगे। और अगर कोई बाहर से लिखने वाला है न्यूज़पेपर वगैरह का रिपोर्टर, तो हम नीचे वाला रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन टैगोर स्कूल ये वाला हम लिखेंगे। इसे मिटाकर मैं टाइटल एक बार फिर से लिख देता हूँ, रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे फंक्शन। याद रखिएगा, ये तब लिखना है जब लिखने वाला कोई स्कूल का ही पार्ट हो। अदरवाइज़ अगर बाहर का कोई हो, तो हमें लिखना है रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन टैगोर पब्लिक स्कूल, या टैगोर पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे फंक्शन। तो टाइटल डाल देने के बाद में अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारा रिपोर्टर का नाम, यानी कि लिखने वाले का नाम, और लिखने वाले का संबंध किस न्यूज़पेपर से है या किस संस्था से है, वो हम हमेशा लिखते हैं। तो यहाँ लिखने वाला स्कूल का है और इंटरनल है, और शायद ये रिपोर्ट स्कूल की ही पत्रिका के लिए लिखी जा रही है। अब हम आते हैं प्लेस पे, जो कि हमेशा में लिखना होता है। तो स्थान में हम लिखेंगे सिरोही, और डेट जो कि 26 जनवरी को मनाई जाती है, इसलिए हम 27 को पब्लिश करेंगे, तो 27 जनवरी 2021। इसके बाद में हम अपना जो मेन कंटेंट है वो लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कब, कहाँ और क्या, कि क्या मनाया गया, कब मनाया गया और कहाँ मनाया गया। किसी भी घटना के संबंध में ये डिटेल हम अनिवार्य रूप से देते हैं। तो सबसे पहले द रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जो है, वाज सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड इन टैगोर पब्लिक स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल। विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो, यानी कि भव्यता के साथ में। तो अब आप अच्छे तरीके से सारे लेटर्स को देख सकते हैं जो साइड में पहले कट रहे थे। तो द रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड इन टैगोर पब्लिक स्कूल विथ ग्रेट पॉम्प
एंड शो। तो जो गणतंत्र दिवस था वो टैगोर पब्लिक स्कूल में बड़ी ही भव्यता के साथ में मनाया गया। ये बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, डिटेल हमें देनी होती है कि कब कहाँ और कैसे जो है इवेंट यानी कि घटना वो मनाई गई। घटना फंक्शन के संबंध में हो सकती है, घटना कोई दुर्घटना भी हो सकती है, या घटना कोई फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज जो किया गया हो, सेलिब्रेट किया गया हो, उसके संबंध में भी हो सकती है। और यहाँ पे वाई जो कि हम पहले लिखना भूल गए, वाई लिखने वाले का नाम और कक्षा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये लिखने वाला स्कूल का ही है। और अगर बाहर का हो तो मैं दो बार आपको बता चुका हूँ कि बाहर से अगर लिखने वाला हो यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह का रिपोर्टर, तो हमें टाइटल दूसरा देना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। द स्कूल बिल्डिंग वाज डेकोरेटेड, यानी कि विद्यालय की बिल्डिंग जो है वो सजाई गई थी, विथ कलरफुल यानी रंग बिरंगे बलून्स यानी गुब्बारे, एंड पेपर क्लिप्स और रंग बिरंगी फरियों के साथ में। तो द स्कूल बिल्डिंग वॉज सेलिब्रेटेड विथ कलरफुल बैलून्स एंड पेपर क्लिप्स। इसका अर्थ हुआ कि रंग बिरंगे गुब्बारों और कागज की जो फरियां होती हैं रंगीन कलरफुल, उनसे स्कूल की बिल्डिंग जो है वो सजाई गई थी। All the parents यानि कि सभी छात्रों के अभिभावक, and many guests were invited। अनेक मेहमान व विद्यार्थियों के अभिभावक जो हैं वो विद्यालय में इस कार्यक्रम के अंदर निमंत्रित किए गए थे, आमंत्रित किए गए थे। तो ऐसा सभी फंक्शन में होता है कि जो विद्यार्थियों के अभिभावक होते हैं, गार्जियंस होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, और जो समाज के रेस्पेक्टेबल लोग होते हैं उन्हें भी हम इनवाइट करते हैं। द चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि वॉज द MLA ऑफ निम कथाना। तो द चीफ गेस्ट वॉज द MLA ऑफ निमका थाना। तो जो मुख्य अतिथि थे वो थे निमका थाना के MLA। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में हमेशा एक चीफ गेस्ट भी होता है। द प्रोग्राम स्टार्टेड या बिगेन, जैसी आपकी इच्छा है, स्टार्टेड भी शुरू होता है, बिगेन यानी भी प्रारंभ करना होता है, बस पास्ट में हमें लिखना है। तो बिगेन सेकंड फॉर्म। तो द प्रोग्राम बिगेन एट 8 AM। कार्यक्रम सुबह 8 बजे प्रारंभ हुआ। द प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाध्यापक एंड द चीफ गेस्ट hoisted 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 यानी फहराना, झंडा फहराना, द फ्लैग। इस लाइन का अर्थ हुआ कि प्रधानाध्यापक और मुख्य अतिथि ने झंडा फहराया। एवरीवन sang द नेशनल एंथम NATIONAL एंथम
यानी कि राष्ट्रीय गीत, सभी के द्वारा जो राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया, राष्ट्रगान। देन ए वेलकम सॉन्ग, इसके बाद में देन ए वेलकम सॉन्ग, डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई, वेलकम सॉन्ग वाज संग, एक स्वागत गीत जो है वो गाया गया, सेंग सिंग सेंग संग, फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, सेकंड सेंग और थर्ड संग, एस यू एन जी। तो जो स्वागत गान है वो विद्यार्थियों के द्वारा गाया गया। मैनी परफॉर्मेंसेस यानी कि प्रस्तुतियाँ वर गिवन बाय द स्टूडेंट्स, अनेक प्रस्तुतियाँ जो हैं वो विद्यार्थियों के द्वारा दी गई थी। The Toppers, TOPPER, The Toppers were awarded, यानी कि जो श्रेष्ठ विद्यार्थी थे परिणाम की दृष्टि से उनको पुरस्कृत किया गया। In the end, और अंत में, the chief guest, जो मुख्य अतिथि थे, delivered, DELIVERED, यानी देना, delivered a short, SHORT, मोटिवेशनल, MOTIVATIONAL, ए शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच। तो अंत में मुख्य अतिथि ने एक छोटा सा प्रोत्साहन देने वाला भाषण दिया। द प्रोग्राम PROGRAMME प्रोग्राम एंडेड ENDED एंडेड एट इलेवन थर्टी, तो कार्यक्रम 11 बजे सुबह के समाप्त हो गया, जो कि 8 बजे प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से जो है हम रिपोर्ट को लिखते हैं। विद्यालय के अंदर कोई फंक्शन वगैरह जो आयोजित होता है, मनाया जाता है, उसके संबंध में। तो अब हम इसकी एक बार फिर से हिंदी देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्लेस, जो कि सिरोही है। डेट, जो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसलिए हम 27 को पब्लिश करेंगे। तो द रिपब्लिक डे, REPUBLIC रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड इन टैगोर पब्लिक स्कूल। तो जो रिपब्लिक डे है वो टैगोर पब्लिक स्कूल में मनाया गया विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो, बहुत ही भव्यता के साथ में। द स्कूल बिल्डिंग वाज डेकोरेटेड विथ कलरफुल बलून्स, विद्यालय की जो बिल्डिंग थी वो रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ एंड पेपर क्लिप्स के साथ सजाई गई। ऑल द पेरेंट्स एंड मैनी गेस्ट वर इनवाइटेड, विद्यार्थियों के सभी के माता पिता और अनेक मेहमानों को निमंत्रित किया गया था। द चीफ गेस्ट वाज द MLA ऑफ निमकथाना, जो मुख्य अतिथि थे वो थे निमकथाना के MLA। द प्रोग्राम बिगेन एट 8 AM और कार्यक्रम जो था वो 8 बजे शुरू हुआ। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट होइस्टेड द फ्लैग, इन्होंने दोनों ने जो झंडा था वो फहराया, HOISTED होइस्टेड यानी फहराना। एवरीवन सैंग द नेशनल एंथम, सभी ने राष्ट्रगान गाया। देन ए वेलकम सॉन्ग वाज संग बाय द स्टूडेंट्स, इसके बाद में विद्यार्थियों के द्वारा एक स्वागत गान गाया गया। मैनी परफॉर्मेंस वर गिवन बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी गई। और इसके बाद में है द टॉपर्स, TOPPERS, द टॉपर्स वर अवार्डेड, जो टॉपर्स जो थे उनको पुरस्कृत किया गया। इन द एंड द चीफ गेस्ट, और अंत में जो चीफ गेस्ट था, CHIEFGUEST,
चीफ गेस्ट डिलीवर्ड ए शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच, और अंत में जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच दिया। एंड द प्रोग्राम एंडेड एट 11 AM और सुबह 11 बजे कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल हम लिखेंगे यू आर सुनील रिपोर्टर ऑफ द नवभारत टाइम्स। तो आप सुनील हैं, रिपोर्टर हैं द नवभारत टाइम्स के, देयर वॉज ए फायर, ए हाउस ऑन फायर, देयर वॉज ए हाउस ऑन फायर इन योर सिटी। आपके शहर में एक घर में आग लगी थी। प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 words, तो लगभग 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यू आर सुनील, आप सुनील हैं, रिपोर्टर ऑफ द नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम के, और देर वॉज ए हाउस ऑन फायर इन योर सिटी, और आपके शहर में एक घर में आग लगी थी। प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 words, तो 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो पॉज करके आपको ये क्वेश्चन लिख लेना था, अगर नहीं लिखा तो आप थोड़ा पीछे जाके पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं। टाइटल हमारा रहेगा ए हाउस ऑन फायर। तो ये जो हाउस है, ए हाउस ऑन फायर, इस हाउस की जगह जिस भी बिल्डिंग में या किसी भी भूखंड में ऐसी दुर्घटना हो रही हो फायर वाली, तो हाउस की जगह हम उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि ए बिल्डिंग ऑन फायर, ए शॉप ऑन फायर, या इसी तरीके से कोई भी भूखंड जो इस प्रकार के फायर इंसिडेंट के एक्सीडेंट के अंदर इंक्लूड हो, शामिल हो, उस भूखंड को हम हाउस की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले प्लेस आता है, देन डेट, तो प्लेस हम लिखेंगे निमका थाना। लेकिन उससे पहले जो लिखने वाला है बाय सुनील रिपोर्टर ऑफ नवभारत टाइम्स, ये हम लिख देते हैं सुनील रिपोर्टर कोमा द नवभारत टाइम्स। प्लेस नीम का थाना, July 4, 2020। और अब हम हमेशा की तरह कब कहाँ और क्या हुआ, तो डेट टाइम और प्लेस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देर वॉज ए हाउस ऑन फायर नियर SBI बैंक। तो देर वॉज ए हाउस ऑन फायर, देर वॉज ए हाउस, देर वॉज ए हाउस ऑन फायर। ऑन फायर से पहले वाज आपको हटा लेना है, ये अननेसेसरी है, गलती से लिख गया। तो देर वॉज ए हाउस ऑन फायर नियर SBI बैंक। SBI बैंक के पास एक जो घर था वो आग की चपेट में आ गया या उसमें आग लगी। इसके बाद में द एक्सीडेंट एक्सीडेंट ACCIDENT took place, took place
एट इलेवन एट अबाउट लगभग एट अबाउट 10:30 AM। तो ये जो घटना थी वो लगभग 10:30 बजे हुई सुबह। द किचन KITCHEN द किचन द किचन ऑफ द हाउस द किचन ऑफ द हाउस caught fire the kitchen of the house caught fire due to a leak in gas cylinder। तो घर की जो रसोई थी उसमें आग लग गई गैस सिलेंडर में लीक के कारण। The kitchen of the house caught fire due to a leak in gas cylinder। तो जो घर का गैस सिलेंडर था उसके लीक के कारण रसोई में आग लग गई। within a few minutes the fire spread। Had spread कुछ ही मिनट में आग फैल चुकी थी। एंड और आग फैलने के बाद में विकराल रूप धारण कर लेती है। तो एंड had taken a dangerous form और विकराल रूप धारण कर लिया था। तो कुछ ही मिनट में जो आग थी वो फैल चुकी थी और इसने एक बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लिया। किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था। तो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं तो पुलिस को भी कंट्रोल रूम में अपने आप इंफॉर्मेशन मिलती है, या पुलिस को जब आप इन्फॉर्म करते हैं आग की घटना के बारे में तो the police team and fire brigade अराइव्ड यानी पहुंची ARRIVED इन 5 मिनट्स। तो 5-6 मिनट में पुलिस की और फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो पहुंच गई। The fire was put off soon। Put off यानी बुझाना PUTOFF अलग अलग आएगा दोनों। तो the fire was put off soon आग जल्दी बुझा दी गई। There was no loss of lives यानी कि जान की कोई क्षति नहीं हुई। The owner of the house यानी कि घर का मालिक। houses केवल house not plural नहीं केवल house। तो the owner of the house had suffered
ए लॉस ऑफ, यानी कि घर का जो मालिक था उसे नुकसान हुआ, ऑफ अबाउट 2 लाख रुपीस, लगभग 2 लाख रुपए का। तो इस प्रकार से आपकी ये जो है रिपोर्ट वो पूरी हो गई। अब एक बार क्विकली इसका हम इंडिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हाउस ऑन फायर, और अगर हाउस के अलावा और कोई बिल्डिंग हो तो हाउस की जगह वो लिख देंगे हम। फिर इसके बाद में लिखने वाला कौन है रिपोर्टर, उसका नाम, उसकी रैंक या पोजीशन, और फिर अखबार का नाम, फिर प्लेस, प्लेस कोमा, फिर डेट, घटना से एक दिन बाद की। देयर वाज ए हाउस ऑन फायर नियर एसबीआई बैंक, यानी कि कब, कहाँ और क्या हुआ। तो एसबीआई बैंक के निकट एक घर जो था उसमें आग लगी थी। द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट अबाउट 10:30 AM, और जो एक्सीडेंट था वो लगभग 10:30 बजे हुआ। और ये क्यों हुआ ये रीज़न हम लिखेंगे अब। द किचन ऑफ द हाउस कॉट फायर ड्यू टू लैक इन गैस सिलेंडर, कि जो घर का किचन था वो गैस सिलेंडर की लीक के कारण उसमें आग लग गई रसोई में। फिर इसके बाद में जो आग थी, द फायर हैड स्प्रेड, वो फैल चुकी थी, एंड हैड टेकन ए डेंजरस फॉर्म, और उसने एक ख़तरनाक आकार ले लिया था। देन इसके बाद में हम लिखेंगे कि समवन हैड कॉल्ड द पुलिस, कॉल्ड द फायर ब्रिगेड, कि किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था। द पुलिस टीम एंड फायर ब्रिगेड अराइव्ड इन 5 मिनट्स, और जो पुलिस टीम थी और फायर ब्रिगेड जो थी वो 5-6 मिनट में पहुँच गई। एंड द फायर वाज पुट ऑफ सून, इसके बाद में आकर जब ये आई ये टीम, पुलिस टीम एंड फायर ब्रिगेड, तो आग जल्दी ही बुझा दी गई। देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइव्स, जान की कोई क्षति नहीं हुई। द ओनर, यानी कि जो मालिक था ऑफ द हाउस, घर का, हैड सफर्ड ए लॉस ऑफ अबाउट 2 लाख रुपीस, तो घर का जो मालिक था उसे लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से हमें ये रिपोर्ट कर लेनी है। और इसके बाद में अब कल के लिए जो आपकी एक्सरसाइज है वो ये रहेगी कि आपको एक फायर एक्सीडेंट के बारे में ही रिपोर्ट लिखनी है। तो आप लिखेंगे एक बिल्डिंग के संबंध में जिसमें आग लगी है। तो बिल्डिंग ये कई मंजिला हो सकती है, 3, 4, 5, जो आप लिखना चाहें। तो इसको लिखना कैसे है कि आपको जो हाउस है, ए हाउस ऑन फायर, तो उस हाउस की जगह जिस प्रकार की बिल्डिंग में आग लगी है उसका नाम हम लिख देते हैं। आग लगने के कारण क्या रहे, कब, कहाँ, कैसे लगी, बचाने का कार्य कैसे हुआ, किस प्रकार से प्रोसेस चली, ये सब डिटेल आपको देनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।